नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मोटर सोल में। और आज हम एक प्रीमियम हैचबैक की बात करने जा रहे हैं जो कि है मारुति सुजुकी बलिनो। और आज हम पर्टिकुलर इसका जीटा वेरिएंट पे जाएंगे जो मैनुअल है, और हम उसका इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है और आपको ये क्यों बाय करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले गाड़ी के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। गाड़ी के इंजन की बात करें तो ये 1.2 लीटर VVT इंजन दे रखा है, जिसकी पावर की बात करें तो 88 bhp और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ये पर्टिकुलर अगर बलेनो की बात करूं तो बलेनो आपको पेट्रोल और CNG में अवेलेबल है। पेट्रोल में देखा जाए तो इसमें चार वेरियंट आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा। और अगर CNG की बात करें तो आपको इसमें अल्फा और जीटा दो वेरिएंट, सॉरी डेल्टा और जीटा दो वेरिएंट आते हैं। ये तो रही वेरिएंट की बात। अब आपको इसका इंजन ओपन करके दिखाते हैं किस तरीके से इसका इंजन दिखता है। अब बात करें इसके इंजन की। ये इसका 1.2 लीटर फोर सिलेंडर इंजन दे रखा है, VVT इंजन है। कुछ इस तरीके से आपको इंजन दिखेगा। और ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट है वो है जीटा मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड अब आप सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हम ये गाड़ी का क्यों करना चाह रहे हैं, मतलब रिव्यू, बिकॉज ये गाड़ी एक ऐसी है जो प्रीमियम हैचबैक में आती है। इसमें आपको फीचर्स भी मिलते हैं, सेफ्टी भी मिलती है। अगर सेफ्टी की बात करें अभी अपन, तो ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें मिलती है। इसके अलावा इस गाड़ी में बेसिक, मतलब बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो अब चलते हैं इसके एक्सटीरियर में और आपको दिखाते हैं इसके एक्सटीरियर में क्या। अब इस गाड़ी के अगर एक्स शोरूम की बात करें, गाड़ी का एक्स शोरूम है वो 6.66 लाख से लेके 9.88 लाख तक है। आप अपनी कन्वीनियंस और पॉकेट के हिसाब से गाड़ी का कोई भी वेरिएंट चूज कर सकते हैं। वेरिएंट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एक्सटीरियर की बात करते हैं, और उसमें जाने से पहले मैं आपको गाड़ी की कीज दिखाना चाहूंगा। ये कुछ बलेनो की कीज है जिसमें लॉक अनलॉक बेसिक दे रखा है, और इस तरह की आप कीज दे सकते हैं। एक्सटीरियर में बात करें तो ट्रायो इसमें DRLs आपको दे रखे हैं। उसके अलावा आपको DRL प्रोजेक्टर दे रखा है, आपको टर्न इंडिकेटर का यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपको कोई फॉग लैम्प नहीं दे रखा, सिल्वर गार्निश दे रखा है। यहाँ भी आप देखेंगे कि सिल्वर की आपको गार्निश मिलेगी, यहाँ पे आपको मारुति सुजुकी का लोगो मिलेगा। और अगर आप नीचे देखें तो कुछ ऐसा कुछ बेसिक आपको दे नहीं रखा, ये जो सेम कलर है बॉडी कलर उसी में आपको दे रखा है। ये तो रही बात फ्रंट की। और इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये आपको वॉशर दे रखे हैं और ये आपको वाइपर। अब हम चलते हैं गाड़ी के साइड में और आपको बताते हैं गाड़ी के कुछ फीचर्स के बारे में। अब यहाँ पे हम साइड में आ गए हैं। पहले आप देखिए गाड़ी का साइड लुक आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाड़ी का साइड लुक आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। देन हम बात करेंगे इसके टायर्स की, जो टायर अपोलो के दे रखे हैं। और इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 195/55R16 16 इंची के आपको अलॉय व्हील दे रखे हैं, और ये आपको सिल्वर में दे रखे हैं। जो ब्लैक कलर के गन मेटल फिनिश के आपको अलॉयज मिलते हैं वो टॉप एंड मॉडल में मिलते हैं। देन साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे ORVM मिलेगा, जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर भी दे रखा है और ये बॉडी कलर्ड है। देन यहाँ पे आपको ऊपर कोई क्लैडिंग नहीं दे रखी, और ये डुअल टोन में नहीं है, सिंगल टोन में बॉडी कलर्ड में ही दे रखा है। एंड आप देखेंगे डोर जो दे रखा है वो आपको सिल्वर फिनिश में दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो जो इसका फ्यूल टैंक है वो 37 लीटर का आपको दे रखा है पेट्रोल में। एंड उसके बाद लास्ट चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस।
अगर हम गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है, जो कि एक प्रीमियम हैचबैक के हिसाब से काफी बेहतर है। सो ये तो रही बात साइड की, अब हम चलते हैं रेयर तरफ और आपको बताते हैं क्या क्या फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल है। गाड़ी के रेयर में हम आ गए हैं तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। ये आपको सिल्वर कलर की फिनिश मिल रही है, यहाँ पे मारुति सुजुकी का लोगो है, यहाँ पे बलिनो आपको बैजिंग दे रखी है, यहाँ नेक्सा का आपको नाम यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं मिरर पे। देन बात करें यहाँ पे आपको एक तरीके से वाइपर दे रखा है, डिफॉगर दे रखा है, हाई माउंट स्टॉप लाइट दे रखी है और आपका एंटीना दे रखा है। लेकिन ये एंटीना आपका एक तरीके से नॉर्मल वो वायर्ड वाला एंटीना है वो होगा। देन अब इसकी लाइटों की बात करते हैं, तो जो इसकी लाइटें हैं ये यहाँ पे DRLs में दे रखी है, और आप यहाँ ध्यान से देखेंगे जैसे आपके DRLs दे रखे हैं फ्रंट में वैसे उस तरीके की यहाँ लाइटें दे रखी है 3 पोर्शंस में, जो कि रात में आपको काफी बेहतरीन लुक देने वाली है। अब बात करते हैं इसमें आपको कोई कैमरा नहीं दे रखा है यहाँ पे, देन आपको लेकिन पार्किंग सेंसर दे रखे हैं 2। सो ये तो रही बात यहाँ की, अब चलते हैं इसके बूट स्पेस में और आपको बताते हैं कि कितना स्पेस है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका बूट स्पेस मिलने वाला है। बूट स्पेस की डेप्थ काफी अच्छी है, तो हो सकता है आप सामान कभी रखें तो आपके थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर इसके बूट स्पेस टोटल की बात करें तो इसका बूट स्पेस टोटल आपको मिलेगा 318 लीटर का, और सीटें जो दे रखी है वो 60-40 स्प्लिट में दे रखी है, जो कि काफी अच्छी चीज है। अगर आपका सामान ज्यादा है और लोग कम है तो आप एक सीटें फोल्ड करके अपना सामान उस हिसाब से रख सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो ये तो रही गाड़ी के बूट स्पेस की बात, अब हम चलते हैं गाड़ी के रेयर सीट में और आपको बताते हैं गाड़ी का कंफर्ट कैसा। और आपको गाड़ी का रेयर सीट में जाने से पहले आपको इसका इन एंड आउट बताते हैं कि कितना कंफर्टेबल होगा। सो सबसे पहले मैं इन कर रहा हूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा सर अड़ा मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, और अंदर जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आउट में आएंगे तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है जिसकी हाइट ज्यादा हो तो उसका यहाँ पे हेड अड़े। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। अब अगर इंटीरियर में आने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे 3 चीजों की मेन, यहाँ का लेग रूम। सो लेग रूम डिसेंट है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, और अगर हेड रूम की बात करें वो भी डिसेंट है, सो इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। देन कुछ फीचर्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लेदराइट दे रखा है, जाके आप अपना हाथ रखेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डोर हैंडल्स आपको सिल्वर फिनिश में मिलेंगे, पावर विंडो दे रखा है, ग्रैब हैंडल दे रखा है। एंड अब अगर इसकी सीटों की बात करें तो इसकी सीटें ब्लू और ब्लैक कलर में दे रखी हैं फिनिश, सो ये काफी अच्छी हैं, ये फैब्रिक सीटें दे रखी हैं। एंड अगर थोड़ा सा कंफर्ट की और बात करें तो गाड़ी में 3 हेडरेस्ट दे रखे हैं, बीच में एक छोटा सा हेडरेस्ट दे रखा है और 2 बड़े हेडरेस्ट दे रखे हैं ताकि आप आराम से जर्नी कर पाए। एंड बीच में आपको कोई अपना आर्मरेस्ट नहीं दे रखा, सो वो चीज नहीं दे रखी, लेकिन हाँ आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट और आइसोफिक्स का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है चाइल्ड के लिए, जो आप देख सकते हैं। सो ये चीजें यहाँ दे रखी है। अब इसके अलावा एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपको रेयर एसी वेंट्स दे रखे हैं, और यहाँ चार्जिंग के लिए आपको सी टाइप चार्जर और USB दोनों दे रखे हैं, एंड यहाँ पे मोबाइल होल्डर की एक जगह दे रखी है। सो ये तो रही रेयर सीट की बात, अब चलते हैं फ्रंट सीट में और आपको बताते हैं क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, इसके पैसेंजर और को पैसेंजर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है, इससे आप गाड़ी लॉक और अनलॉक दोनों कर सकते हैं। सो जैसे ही मैं गाड़ी ओपन करूंगा आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे हमें लेदर प्रीमियम टच दे रखा है, देन यहाँ पे एक स्पेस दे रखी है कुछ भी मोबाइल रखने के लिए, ये आपके पावर विंडोज के ऑप्शन, लॉक अनलॉक का ऑप्शन, ORVM का ऑप्शन, और ये इलेक्ट्रिकली रिट्रेसेबल भी दे रखा है। देन यहाँ पे जो डोर देखेंगे ये आपको सिल्वर फिनिश में दे रखा है। अब थोड़ा सा साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो ऑफ, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फ्रंट का मतलब जो बम्पर मतलब इंजन बे है वो ओपन करने का है, यहाँ पे फ्यूल लिड ओपन करने का है, ये देख सकते हैं आप मैनुअल है तो आपको दे रखा है, एंड आपको एक हम्प दे रखा है आपके लेफ्ट पैर को रेस्ट करने के लिए। एंड थोड़ा सा और बात करें तो इसके यहाँ पे फीचर्स में मतलब ये भी है कि आपके म्यूजिक सिस्टम तो दे ही रखा है, यहाँ पे स्पीकर का सेट है और यहाँ पे पानी बोतल रखने के लिए जगह है। सो ये तो रही बात यहाँ की, अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको बताते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और म्यूजिक सिस्टम में क्या क्या है। सबसे पहले हम इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करने वाले हैं, ये लेदर रैप नहीं है, आपको जो कंट्रोल्स दे रखे हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे आप कंट्रोल्स देखेंगे केवल म्यूजिक सिस्टम के दे रखे हैं, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड मोड्स, वॉल्यूम और म्यूट का,
यहाँ पे वॉल्यूम कॉल करने का, कॉल काटने का और वॉइस का। सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दे रखे हैं कुछ सिस्टम। देन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे वाइपर्स का दे रखा है, यहाँ पे आपको लाइट का और इंडिकेटर्स का सिस्टम दे रखा है। सो ये तो रही बात इसके स्टीयरिंग व्हील की। अब चलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे और बताते हैं क्या क्या है। सो ये आप देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों है। बीच में जो आपको दिख रहा है वो आपको डिजिटल मिलेगा, बाकी लेफ्ट एंड राइट तरफ जो मिलेगा वो आपको एनालॉग मिलेगा। आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्लियर विजिबल है कि नहीं। सो यहाँ पे लेफ्ट में आपको आरपीएम दिख रहा है, यहाँ पे स्पीड का दिख रहा है और यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी सेट करने का है। यहाँ पे आपको ब्लैक बटन दे रखा है। सो आप इसको अगर प्रेस करेंगे तो आपको सारी चीजें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ड्राइविंग टाइम देख सकते हैं, टोटल आइडल स्टॉप टाइम देख सकते हैं और मोशन देख सकते हैं, मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है। और टॉर्क पावर, ये एक स्पोर्ट्स कार में जो फीचर देते हैं वो इसमें दे रखा है। इसके अलावा एक्सेलरेशन ब्रेक का आप अमाउंट देख सकते हैं। सो इस तरीके से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलने वाला है और बाकी जो फीचर्स हैं, जो हाई लेवल के फीचर्स हैं, वो नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि ये जीटा मैनुअल मॉडल आपको दे रखा है। और ये तो रही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात। और अगर आपको लगता है कि हम कोई चीज़ मिस आउट कर गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। देन अब साइड में आते हैं म्यूजिक सिस्टम की तरफ। तो इसका 7 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले सब कुछ दे रखा है, USB, ब्लूटूथ सब कुछ है। उसके अलावा अगर इस म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो 6 स्पीकर दे रखे हैं, जिसमें मतलब 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर्स जो आपको यहाँ पे इस जगह दे रखे हैं। सो ये तो रही म्यूजिक सिस्टम की बात। और इसका जो यूज करने का है, यूजर इंटरफेस है, वो डिसेंट है। सो उसमें आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। देन उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट दे रखी है। और नीचे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे फैन की स्पीड कम ज्यादा करने का है, या AC और हीटर का आपको दे रखा है। देन उसके अलावा नीचे देखेंगे कि इनसाइड एयर, AC ऑफ, ऑटो, फ्रंट का डिफॉगर, रेयर का डिफॉगर एंड फ्रंट का डिफॉगर प्लस AC दोनों का ऑप्शन यहाँ दे रखा है। एंड उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे आपको चार्ज करने के लिए दे रखा है, यहाँ USB का ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दे रखा है मोबाइल रखने के लिए। देन यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स दे रखे हैं। यहाँ बात करें तो ये आपको 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स दे रखा है और प्लस 1 रिवर्स। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये हैंड ब्रेक और आपको लेदर टच में एक आर्मरेस्ट दे रखा है, जिसकी जो स्पेस है वो काफी डिसेंट है। देन बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, सो इसकी भी स्पेस डिसेंट है और ये कूल नहीं है। उसके अलावा बात करेंगे तो बॉटल होल्डर की ऑलरेडी यहाँ जगह बता चुका हूँ। और ये आप कुछ देख सकते हैं कि आपको साइड में ये लेदर टच इस तरीके से कुछ मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरबैग की बैजिंग है, बिकॉज इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर रखे हैं। अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको IRVM मिलेगा, ये आप मैनुअली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको लाइट का ऑप्शन दे रखा है जो कि डिसेंट है। एंड उसके अलावा यहाँ बात करें वैनिटी मिरर की, तो आपको यहाँ दे रखा है और आई थिंक यहाँ पे टिकट होल्डर दे रखा होगा, लेकिन यहाँ पे टिकट होल्डर नहीं है। सो ये तो रही कुछ इसके इंटीरियर की बात। एंड एक चीज जो मैं मिस आउट कर गया था वो ये था कि इसकी सीट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि लेदराइट नहीं है। ये आपको मिलेंगी फैब्रिक टच में, जिसमें जो ये आप देख सकते हैं ये ब्लूइश कलर हल्का सा दे रखा है बीच में इंसर्ट के तौर पे और बाकी सब ब्लैक है। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको बलिनो जीटा MT का इंटीरियर कैसा लगा। सो कुछ इस तरीके से आपको इंटीरियर मिलने वाला है। सो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप बजट में थोड़े टाइट हैं और आप एक प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि इसकी जो एक शोरूम प्राइस है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 6,66,000 से लेके आपको 9,88,000 तक मिलेगी। बाकी ऑन रोड प्राइसेस आपके सिटी और स्टेट के हिसाब से डिफर करती है। हम यही कहेंगे कि अगर आप ये गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले नियर बाय मारुति सुजुकी शोरूम जाइए, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको गाड़ी कैसी लगी, तब आप गाड़ी के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो आई थिंक हमने इस गाड़ी के बारे में जो बेसिक सारी चीजें थी वो आपको बता दी है। तो आई थिंक इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो अब मिलते हैं नए वीडियो में, नए एडवेंचर के साथ, नई गाड़ी के साथ। टिल देन